हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स को विद अ गोल कि हम उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करें। तो ऐसे वीडियोज अगर आपको पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम फाइनेंशियल इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा इम्पैक्ट, हमारा एम ये होगा कि हम मॉनेटरी इम्पैक्ट कैलकुलेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपके पॉकेट पे क्या फर्क पड़ सकता है, आपके एक्सपेंसेस पे, आपके बजट पे क्या फर्क पड़ सकता है दुनिया में, दुनिया के किसी भी इवेंट का। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले इन ब्रीफ आर्टिकल से। छोटे छोटे आर्टिकल्स होंगे, हम इन ब्रीफ में वो डिस्कस करते हैं। नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करेगा WWE रॉ इन अ $5 बिलियन बेट ऑन लाइव इवेंट्स। तो नेटफ्लिक्स अब लाइव इवेंट्स पे बेट कर रहा है और यहाँ पे इसने शुरुआत कहाँ से की है, जो सबसे बड़ी शुरुआत है उसकी, वो हो रही है WWE रॉ से। काफी पुराना शो है WWE, इंडिया में भी इसके बहुत फैंस है, ग्लोबली फैंस है, राइट? सो इट कैन बी सक्सेसफुल। देखते हैं आगे इसमें इन्होंने क्या बोला है। नेटफ्लिक्स ने एक बड़ा स्टेप लिया लाइव इवेंट्स में ऑन ट्यूसडे विद मोर देन $5 बिलियन राइट्स खरीदी हैं इन्हें स्ट्रीम करने की, जिससे एक एक्सक्लूसिव होम बनाएगा ये वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट रॉ का फ्रॉम January 25। ये जो 10 ईयर की पार्टनरशिप है, ये इट विल पुट रॉ ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए, राइट्स जो मिली है ये हर कंट्री की नहीं है, कौन कौन से कंट्रीज की है देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, UK एंड लैटिन अमेरिका Among other territories, the company said, ठीक है, तो Netflix exclusively telecast करेगा, मतलब और कहीं telecast नहीं होगा, outside US all WWE shows and specials, including SmackDown, as well as pay-per-view live events जैसे कि WrestleMania। अब इनके कुछ events भी होते हैं, ठीक है, तो उससे भी Royal Rumble, WrestleMania, उसे भी Netflix ही stream करने वाला है। तो Netflix के शेयर्स 2% बढ़े हैं इस न्यूज के बाद, एंड वी हैव टू सी कि क्या ये जो प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इन्हें हम लाइव इवेंट्स के लिए देख सकते, यूज कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि इंडिया में आप देखिए, सबसे बड़े लाइव इवेंट्स जो है वो मैं कहूंगा वर्ल्ड कप है, जो कि हॉटस्टार पे स्ट्रीम होता है, विच इज वेरी सक्सेसफुल। हॉटस्टार के लिए तो बहुत सक्सेसफुल रहा है और ज्यादातर लोगों को हॉटस्टार पे एक्चुअली क्रिकेट मैचेस ही लेकर आए हैं अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो। लेट्स सी Netflix यहाँ पे क्या करता है। और यहाँ पे WWE के जो शेयर्स हैं वो भी इन्होंने भी 23% यहाँ पे जंप शो किया है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। BYD टॉप्स Volkswagen टू बी चाइनाज नंबर वन सेलिंग कार सेलिंग ब्रांड। BYD इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, चाइनीज कंपनी है, इंडिया में भी इन्होंने एंट्री ली है, ठीक है, और इन्होंने अब ओवरटेक कर लिया है Volkswagen को टू बी चाइनाज नंबर वन सेलिंग कार ब्रांड। बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि Volkswagen चाइना में बहुत ही पहले से है, इट्स अ रियली ओल्ड प्लेयर जो कि बनाता है हमारे ना कि EVs के अलावा ये हमारे ट्रेडिशनल IC इंजन कार भी बनाता है। तो यहाँ पे BYD ने ओवरटेक कर लिया है Volkswagen AG को इस चाइना बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड इन द ईयर 2023। क्लियर एविडेंस इट्स ऑल इन बेट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज पेइंग इट्स डिविडेंड एंड हेल्पिंग इट पास सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लेगेसी नेम्स। तो BYD ने टैली किया 2.4 मिलियन न्यू डोमेस्टिक कार इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशंस लास्ट ईयर। ये डेटा है चाइना के ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर शो से, जिसमें इसका जो मार्केट शेयर है ये 11% हो चुका है, 3.2% बढ़ चुका है। और BYD राइज रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से जो चाइनीज कार ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल हो चुकी हैं अफोर्डेबल और हाईटेक ईवी बनाने में, जिसका बहुत ही ज्यादा अभी आप कह सकते हैं ट्रेंड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना कि सिर्फ US, यूरोप, इंडिया में भी इसका ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। अगर आप US की कार कंपनी से कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेस्ला से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, यहाँ पे ये जो कार बनाते हैं ये प्रीमियम प्राइसिंग रेंज में आता है एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी इशू बहुत ज्यादा है। ये कार है, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, लेकिन ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट तो कर रहे हैं लेकिन इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस है कि इससे पोल्यूशन क्रिएट हो ही रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके अलावा बहुत ही प्रीमियम कॉस्ट भी है इसका, तो ये इसलिए नहीं है कि आप कोई भी अगर चाहें कि आप चाहते हैं कि पोल्यूशन कम हो, राइट, आप प्लास्टिक बैग लेट से बनाते हैं तो आप ऐसा बनाएं कि 10 रुपए का एक है तो इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं। आपको अगर ऐसा बनाना है जो बिल्कुल नेचुरली बना है या पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, तो आपको कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर दिखना होगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि गरीब से गरीब आदमी भी इसे अफोर्ड कर पाए, हर एक इंसान इसे यूज करे, तभी आप एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे, जो टेस्ला के साथ ये फैक्टर नहीं है।
ठीक है, टेस्ला जब कार बेचती है तो वो इतने एक्सपेंसिव कार्स हैं, इतने प्रीमियम चीजें हैं, उनमें इतनी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस है, तो एक तो पोल्यूशन भी उससे उतना ही क्रिएट हो जाता है यूजुअली, ठीक है, और दूसरी चीज कि इतने कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसे कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ सकता पोल्यूशन लेवल्स में या एनवायरमेंट में। और वही रात रही बात BYD की, या फिर इंडिया में आप देख लीजिए टाटा की, इनका गोल है कि हर इंसान कैसे उस कार को अफोर्ड कर पाए, वो ये चाहता है यहाँ पर, और वो इसी गोल से कार्स बनाते हैं। तो वो कार्स सस्ती भी होती हैं, बहुत ही ज्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं होते, ठीक है, तो यहाँ पे फायदा ये भी रहता है कि वो एनवायरमेंट पे रियली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उससे क्रिएट हो सकता है, जबकि टेस्ला से ये कर पाना इज रियली डिफिकल्ट। अब BYD इंडिया में भी एंट्री कर चुकी है, ठीक है, ये आ चुकी है इंडिया में, और इंडिया में जब ये आ गई है तो ये बहुत मतलब अच्छे से, ठीक है, एक राइवलरी क्रिएट हो सकती है, राइवल कर सकती है हमारे इंडियन कार ब्रांड्स को, चाहे कॉस्ट की बात करें, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा क्वालिटी के मामले में कार्स कैसी हैं, ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ रहता है चाइनीज कार्स पे, बट कॉस्ट के मामले में जरूर टक्कर देंगी हमारे इंडियन कार ब्रांड्स को, तो हमें देखना होगा कि वो कैसे कोप अप करते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे, फ्रेंच वॉचडॉग फाइंस अमेज़न ओवर एम्प्लॉय सर्वेलेंस। फ्रांस के जो डेटा प्रोटेक्शन वॉचडॉग है, इन्होंने फाइन किया है अमेज़न को $34.9 मिलियन, क्योंकि इन्होंने ना अमेज़न ने एक सेटअप बनाया, ठीक है, एक सिस्टम बनाया जहां पे ये मॉनिटर करते थे एम्प्लॉय की एक्टिविटी को और परफॉर्मेंस को, जिसे कहते थे एक्सेसिवली इंट्रूसिव है ये, आप ऐसा नहीं कर सकते एम्प्लॉयज के साथ, इतना ज्यादा इंट्रूजन करना सही नहीं है। जो अथॉरिटी है ये टारगेट कर रही है स्कैनर्स को जो ट्रैक करते हैं एम्प्लॉय एक्टिविटी और परफॉर्मेंस, ठीक है, CNIL, ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा ट्यूजडे को कि जो वॉचडॉग का ये कहना है कि अमेज़न के जो सिस्टम थे ये डिफर करते हैं ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग मेथड से, जो पुराने एम्प्लॉय को मॉनिटर करने के तरीके उनसे बहुत अलग है, क्योंकि जो स्केल है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अलग है जिस स्केल पर ये इम्प्लीमेंट किया गया। बेसिकली आप स्पाई कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज पे, इनका एक तरीके से इतना क्लोज टू ये स्पाइंग किया जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जॉस्टिवनेस एंड देयर परमानेंस, तो इसीलिए उन्हें $34.9 मिलियन का फाइन पे करना पड़ा। आते हैं अगले आर्टिकल पे, जैकमा बॉट अलीबाबा शेयर्स वर्थ $50 मिलियन इन द फोर्थ क्वार्टर। अलीबाबा के जो को-फाउंडर है जैकमा और चेयरमैन जो साई, उन्होंने बाय किए हैं मिलियंस वर्थ ऑफ शेयर्स इन द चाइनीज ई कॉमर्स जायंट्स इन द फोर्थ क्वार्टर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, सेंडिंग द कंपनीज यूएस लिस्टेड शेयर्स अप बाय 7%। माने खरीदे हैं करीब $50 मिलियन वर्थ ऑफ हांगकॉन्ग ट्रेडेड स्टॉक, रिपोर्ट का ये कहना है। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो वहाँ के सीईओ हैं उन्होंने भी ऐड किए हैं 151 मिलियन वर्थ ऑफ अलीबाबाज यूएस ट्रेडेड शेयर्स इन द क्वार्टर थ्रू हिज ब्लू पूल मैनेजमेंट फैमिली इन्वेस्टमेंट। तो ये गुड न्यूज है, क्योंकि आप देखिए चाइनीज स्टॉक मार्केट, हमने कल डिस्कस किया था, 19 ईयर लो पे है, 19 साल से जो भी स्टॉक मार्केट में वहां पैसा लगा रहा था सारे लोग वहां नुकसान में चले गए हैं, ठीक है, रिटेल लोग, मिडिल क्लास लोग, रिटायरमेंट के जिनका पैसा था, सबको बहुत ज्यादा नुकसान में हो रहा है इस वक्त, और चाइनीज गवर्नमेंट भी टेंशन में है। तो उसी से रिलेटेड हम एक आर्टिकल आगे कवर करने वाले हैं। अभी आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये है चाइना वेस्ट $278 बिलियन रेस्क्यू प्लान फॉर मार्केट। अब देखिए चाइना ने क्या किया, मैंने आपको बताया कि चाइनीज मार्केट 20 ईयर लो पे जाने वाला है, ऑलमोस्ट 20 ईयर लो पे आ ही चुका है ऑलमोस्ट, और हर एक इंसान जिसने निवेश किया वो लॉस में है, और ये बहुत ही खराब न्यूज होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो इन्होंने प्लान किया है $278 बिलियन का रेस्क्यू प्लान मार्केट्स के लिए। चाइनीज अथॉरिटी कंसिडर कर रहे हैं एक पैकेज ऑफ मेजर्स कि स्टेबलाइज कर पाए स्लंपिंग को। स्लंपिंग हम क्या बोलते हैं, स्लंप करना मतलब मार्केट का नीचे जाना, ठीक है, जिसे हम क्रैश भी बोलते हैं, प्लमेटिंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू पीपल फेमिलियर विद द मैटर, जो अर्लियर अटेम्प्ट्स थे रिस्टोर करने के इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, वो दे फेल शॉर्ट, मतलब वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाए। इन्होंने काफी मेजर्स लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए कि नहीं आप लगाइए हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा, हमारी कंपनी से पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको फायदा होगा। कुछ फायदा नहीं हुआ इससे, तो अब जो यहाँ के प्रीमियर है उनका कहना है कि अब हमें फोर्सफुल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पॉलिसी मेकर्स सीख कर रहे हैं कि वो मोबिलाइज करें अबाउट ₹2 ट्रिलियन, मतलब $278 बिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं आपको कॉन्ट्रास्ट के लिए बता दूं, पूरे पाकिस्तान की GDP भी ऑलमोस्ट इतनी ही है, थोड़ी ही इससे ज्यादा है जितना वो स्टॉक मार्केट को बचाने के लिए यूज करने वाले हैं। ये कितनी
बड़ी न्यूज है, आप ये सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये, और कितना वो डरे हुए होंगे जो इतना ड्रास्टिक उन्होंने स्टेप लिया चाइनीज अथॉरिटीज ने। तो मेनली फ्रॉम ऑफशोर अकाउंट्स ऑफ चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एज पार्ट ऑफ स्टेबिलाइजेशन फंड टू बाय शेयर्स ऑनशोर थ्रू द हांगकांग एक्सचेंज लिंक। तो क्या का प्लान है इनका, हमारे जो ऑफशोर अकाउंट्स है मतलब कंट्री के बाहर जो अकाउंट है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के, जो चाइना की गवर्नमेंट कंपनीज है इनके बाहर अकाउंट्स है चाइना से बाहर, तो वहां के थ्रू ये पैसे को चैनल करेंगे हांगकांग में चाइनीज कंपनी के जो शेयर लिस्टेड है वहां से वो बाय करना शुरू करेंगे, उनका ये कहना है। और इन्होंने कहा मतलब ये एनोनिमस सोर्सेस से इन्हें बातें पता लगी हैं, और दे हैव ईयरमार्क्ड एट लीस्ट 300 बिलियन युआन ऑफ लोकल फंड्स टू इन्वेस्ट इन ऑनशोर शेयर्स थ्रू चाइना सिक्योरिटीज फाइनेंस और सेंट्रल फ्यूजन इन्वेस्टमेंट। 300 बिलियन युआन ये इन्वेस्ट करेंगे लोकल फंड से। और जो डिलिब्रेशन है underscore the elevated sense of urgency among the Chinese authorities, जैसे कि हमने कहा कि इनके अंदर sense of urgency आ गई, ये लोग खुद panic कर रहे हैं कि किस तरीके से। आप ये देखिए जो benchmark है CSI 300 index 5 year low पे चला गया है इस हफ्ते, और COVID वाले situation होगी, आप सोचिए Nifty अगर हमारा 7000 चला जाए दोबारा कितना ज्यादा panic का माहौल होगा। तो काम इनका काम है कि जो नेशन के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको काम किया जाए, शांत किया जाए, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान ले चुके हैं, और प्रॉपर्टी मार्केट में भी रिटेल्स का नुकसान हो ही चुका है। तो देखिए चाइना में एक तो प्रॉपर्टी क्राइसिस आई, लोगों का प्रॉपर्टी में पैसा बहुत डूब गया, और उसके बाद उनका शेयर मार्केट भी 20 साल के लो पे आ गया, तो रिटेल इन्वेस्टर्स तो वहां पे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि घर की भी वैल्यू नहीं रही और उनके जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स थे उनकी वैल्यू भी अब खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे से डाइवर्सिफाई करना कितना इम्पॉर्टेंट है अपने पैसे को। उस टाइम पे मे बी बॉन्ड्स में शायद या इंटरेस्ट में शायद 1% मिलता हो, ठीक है, और लोग कहते हो कि नहीं हम 1% पे क्यों काम कर रहे, प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी बढ़ जा रही है, राइट, उसके अलावा शेयर मार्केट भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन जिन्होंने इक्वली डाइवर्सिफाई भी किया हो अगर अपने एसेट्स को, तो आज वो सेफ होगा रादर देन पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में लगा देना या पूरा ही पैसा प्रॉपर्टी में लगा देना। ये एक बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो $10 बिलियन चिप PLI स्कीम पे कैश इन करे। अब मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो PLI स्कीम आप सबको पता होना चाहिए, ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बेसिकली आप कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो काफी सारी कंट्रीज है जो सेटअप कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आप देखिए एप्पल क्यों राजी हुआ, क्योंकि वो PLI स्कीम के थ्रू कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक PLI स्कीम यूज कर रही है, स्कूटी मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में और अच्छे से फायदा उठा रही है इस स्कीम का। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, ये दे आर लुकिंग टू टैप सेंटर्स $10 बिलियन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इनका एम है कि जो इसको हम टैप कर पाए, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। कैसे, ये प्रमोट करेंगे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इन इंडिया। सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी कंट्री के लिए। अब इस वक्त ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट हो गया है, सेमीकंडक्टर हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है, आपके टीवी के रिमोट से लेके आपके कार हो गया, आपके फोन में, आपके लैपटॉप में भरा हुआ है, हर जगह, फ्रिज में भी यूज होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये जो चिप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी हमने खुद से तो बनाया है, ठीक है, बहुत ही कम कंट्री है जो अपने सेमीकंडक्टर चिप्स खुद बना पाती है, ठीक है, पूरी दुनिया में गिन चुनकर कुछ कंपनीज हैं। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हम मैन्युफैक्चरिंग तो करें इनकी, भले हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इन्हें नहीं बना पा रहे हैं। तो इंडिया का गोल ये है कि विद डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर डिमांड प्रोजेक्टेड टू जंप 10 times जंप हो सकता है, या फिर प्रोजेक्शन ये है टू $100 बिलियन बाय 2025 फ्रॉम $10 बिलियन इन 2020। स्टेट एम कर रहा है कि वो इमर्ज करे एज अ लीडिंग प्लेयर इन द सेगमेंट। स्टेट ने ऑल्सो यूपी गवर्नमेंट ने ऑल्सो अनाउंस किया है कि फ्रेश डेडिकेटेड पॉलिसी बनाएगा चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 ऑन द लाइंस ऑफ गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो इससे क्या पता चलता है, हमारे जो इंडियन स्टेट्स है ना, अब ये भी कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन आ रहा है, जैसे कि कंपनीज करती है कंपीट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंपनीज के लिए, एंड विच इज अ रियली पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया। हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमें अगर लेट्स से 5 trillion इकोनॉमी बनना है, ठीक है, हम गोल कर रहे हैं कि 5 trillion इकोनॉमी बनना है या फिर 30 trillion इकोनॉमी बनना है हमें, तो हमारे स्टेट्स को ही तो ग्रो करना पड़ेगा, राइट। अगर एक ही स्टेट बढ़ जाता है, सारी सारा इंडस्ट्री वहीं चला जाता है, सारे पैसे वहीं चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी इक्विटेबल नहीं होगा, और ये पॉसिबल नहीं है कि सारा ग्रोथ एक ही स्टेट अब्सॉर्ब कर ले जिस हिसाब से अब हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी। तो
बहुत जरूरी है कि एक यू नो एज अ स्टूडेंट आपके सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स हो, राइट, रादर देन एक में आपके 99 है और बाकी सब में आप फेल हो जा रहे हैं. दिस वोंट हेल्प इन लॉन्ग रन. सो दिस इज व्हाट वी वांट. अब हमारे ये जो स्टेट्स हैं जहाँ पे यू नो अच्छी पॉलिसीज यहाँ बन रही है, सारे एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं. गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 12 से ज्यादा कंपनीज ने इंटरेस्ट ऑलरेडी शो कर दिया है सेमी कंडक्टर प्लांट सेटअप करने के लिए स्टेट में. अब यूपी गवर्नमेंट के पास फायदा भी है. सबसे पहले वहाँ स्किल लेबर्स भी हैं, अनस्किल लेबर्स भी हैं जो इस वक्त ट्रेन हो रहे हैं, कॉलेजेस बहुत सारे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूपी ने आप कहेंगे वन ऑफ द हाइएस्ट स्पेंडिंग की है, ठीक है, पूरे इंडिया में. आप पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से कंपेयर कर लीजिए जो बहुत ही डेवलप्ड स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट भी यूपी बहुत ज्यादा अभी उत्तर प्रदेश स्पेंड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे. एंड दे वो पूरा प्रॉपर सेटअप कर रहे हैं, वो एक तरीके से एक पिच डेक बना रहे हैं कि क्यों आप उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्या डीमेरिट्स हैं ऐसे. वो सारे डीमेरिट्स को हटाना चाहते हैं. तो लॉ एंड ऑर्डर से लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर जगह पे काम हो रहा है. तो यूपी कैबिनेट मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इन्वेस्टर्स अंडर न्यू पॉलिसी इन्हें 100% स्टैम्प ड्यूटी वेवर मिलेगा. पहले तो टैक्सेशन का इन्हें यू नो बेनिफिट दे दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड पे या फिर लीज पे, और स्टेट साथ में 75% लैंड सब्सिडी देगी ऑन 200 acres और एडिशनल लैंड सब्सिडी होगा 30%. मतलब सबसे पहले आपका हर्डल क्या होता है कंपनी सेटअप करने से पहले, आपको ये प्लॉट लेना है, लैंड लेना है, तो जब भी आप रजिस्ट्री करते हैं ना इसकी, राइट, तो जैसे आरटीओ टैक्स देते हैं गाड़ी खरीदते टाइम, मोबाइल खरीदते टाइम जीएसटी देते हैं, तो यहाँ पे लगता है आपका स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी. और ये अच्छा खासा होता है मैं आपको बता दूं, और स्पेशली आप अगर इतना बड़ा लैंड ले रहे हैं तो यहाँ पे तो आपको करोड़ों हजारों करोड़ों में भी हो सकता है अगर आपने बहुत बड़ा लैंड लिया है, राइट, 200 acres ले रहे हो, आप किस जगह पे ले रहे हो इस पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो 100% इन्होंने वेवर दे दिया कि भाई आप जमीन खरीदो, 100% वेवर हम दे रहे हैं टैक्स पे. उसके अलावा 75% लैंड सब्सिडी भी मिलेगी यहाँ पे, तो 75% लैंड सब्सिडी ऑन 200 acres तक ले रहे हो, और ज्यादा चाहिए तो 30% उस पर भी मिलेगी. तो कह रहे हैं बड़े प्लान सेटअप करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को यूपी गवर्नमेंट कम करके देगी आपको, ठीक है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है. कंपनीज इन्वेस्ट करी अप टू 200 crore उन्हें एलिजिबिलिटी होगी, 5% एनुअल इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल जाएगी. अब बताइए, और इन्वेस्टर्स को सब्सिडी मिलेगी अप टू 10 crore फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो ये नई पॉलिसी आ जाती है तो यूपी यहाँ एक्सपेक्ट करेगा एक बिग टिकट इन्वेस्टमेंट, जहां पे जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा और जॉब्स बढ़ेंगे एस्पिरेशनल यूथ के लिए. और ये कोई आप मैं कहूंगा ये कोई लो स्किल जॉब नहीं है, ये बहुत ही अच्छी जॉब्स होगी. अगर आप सेमी कंडक्टर कंपनीज में काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, तो ये एक क्वालिटी जॉब होगी जो सही में जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग हैं उन्हें अपलिफ्ट करेगी ये जॉब्स, ठीक है. इंजीनियर्स की कमी नहीं है, राइट, स्टेम ग्रेजुएट्स की कमी नहीं है यूपी में भी. सो लोकली वो सोर्स भी कर पाएंगे यूथ को. सेमीकंडक्टर्स को जैसे मैंने बताया हर जगह हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है, डायोड्स में और ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी मॉडर्न चीजें चल रही है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, हर चीज में सेमीकंडक्टर यूज होता है. और सिंस इंडिया डिपेंड करता है इम्पोर्ट पे टू मीट सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट्स, सेंटर इस वक्त यू नो स्टेट से कम्युनिकेट कर रहा है कि जल्दी से जल्दी हम ये सेटअप करें पीएलआई स्कीम की मदद से, ताकि हम इसमें भी आत्मनिर्भर हो पाए. एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस स्ट्रैटेजिकली. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो या आर्टिकल्स अच्छे लगे हो तो आप मुझे बताएं, एंड यू नो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में. थैंक यू.